योगी आदित्यनाथ के माइग्रेंट कमीशन पर पीएम मोदी ने अपनी मुहर लगा दी है। मतलब कि यूपी में माइग्रेंट कमीशन का रास्ता बेहद आसान हो गया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खास तौर से पूर्वी भारत के श्रमिकों की चर्चा की और कोरोना संकट के दौरान उन मुश्किलों की भी, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। असल में आजादी के इतने सालों में गरीबों और मजदूरों की बातें तो बहुत हुई, लेकिन किया कुछ भी नहीं गया। हमने विकास के टापू बनाए और गाँव से मजदूरों तक झुग्गी झोपड़ियों में बस गए, जहां उनकी हालत गाँव से भी बदतर हो गई। कोरोना काल में मजदूरों के कई गुनहगार सामने आए। पहले तो मालिक, जिन्होंने अपने मजदूरों को मार्च का वेतन ही नहीं दिया। दूसरे महाराष्ट्र जैसी सरकारें, जिन्होंने इनका ख्याल नहीं रखा, इनके खाने पीने की व्यवस्था तक नहीं की। और तीसरे वो मकान मालिक, जिन्होंने इन्हें अपने घर से निकाल दिया। प्रवासी मजदूरों की समस्या इससे ज्यादा बढ़ी और इस सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वी भारत के यूपी और बिहार जैसे राज्य हुए। लेकिन अब मोदी सरकार ग्रामीण व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े पैमाने पर स्किल मैपिंग शुरू करवा चुके हैं। लाखों मजदूरों के लिए कई बड़ी कंपनियां और रियल एस्टेट इंडस्ट्री योगी सरकार से बात कर चुकी है। मतलब साफ है कि जितने भी प्रवासी मजदूर वापस गए हैं, उनमें से सारे तो लौट कर आने से रहे, लेकिन कुछ वापस जरूर आएंगे। सीएम योगी प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस तरह के साफ संकेत दिए कि प्रवासी मजदूरों के दिन अब बदलेंगे और उसके साथ बदलेगी गांवों की तस्वीर। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।